जूस तो भाई सबको बढ़िया लगता है, लेकिन आप लोगों को पता है अनार उगता कैसे है? तो आज हम उगाने वाले हैं अनार, क्योंकि हमको भाई अनार का जो जूस है ना वो एकदम बढ़िया लगता है, क्योंकि इससे भाई जो खून की जो मात्रा है ना दबा के आती है अपने शरीर में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, एक अनार ले लिया, उसमें से एक दाना ले लिया है, दाना को डाल दिया मिट्टी के अंदर। अब देखते हैं कि भाई कितना दिन के अंदर में इसका पौधा बड़ा होगा, उसमें बढ़िया बढ़िया लाल वाले अनार लटकना चालू हो जाएंगे। अगर आप लोग किसी को भी भाई पता है तो कमेंट में बता देना कितना दिन के अंदर में इसमें अनार के फ्रूट आने लग जाएंगे। और जिस भाई को मेरे को भाई अनार पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो यहां पर भाई 80 दिन हो चुके हैं, धीरे धीरे उसका पौधा अपनी असली वाले रूप में आने लग गया है। अब इसमें जैसे जैसे टहनियां फूटने लगेगी इसमें से अनार लटकना चालू हो जाएंगे, सॉरी उसमें पहले फूल आएंगे क्योंकि हमने थोड़ा देखा है। तो यहां पर 100 दिन हो चुके हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है 150 दिन के अंदर में इसमें अनार आना चालू हो जाएंगे क्या? तो जिन जिनको पता है भाई कमेंट में बता देना, ठीक है। तो यहां पर भाई लोग अभी 115 दिन हो चुके हैं, इसका पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब तो टहनियां भी फूलने लग गई है भाई साइड में, अब लग रहा है धीरे धीरे साइड में इसके फूल आने लग जाएंगे। 150 दिन के शायद अंदाजित होने लगेगा, तब तक शायद इसमें से फूल आएंगे और इसमें से अच्छे अच्छे अनार लाल वाले लटकना चालू हो जाएंगे। आप लोगों को पता है आप भी बता देना, ठीक है। ओके 140 हो गया है, शायद 60 और 70 दिन के अंदर में फूल आएंगे और हो जाएगा, ठीक है। अगर अनार आ जाए भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना।